हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं निशा। आज मैं आप सबके साथ शाही पनीर की रेसिपी शेयर कर रही हूं। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। मेरे चैनल पे न्यू है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए। चलिए शाही पनीर बनाना स्टार्ट करेंगे। शाही पनीर बनाने के लिए हमने ले लिए मीडियम साइज के 3 टमाटर, थोड़े से गार्लिक्स और थोड़ी सी जिंजर, 1 ग्रीन चिली, 2 ऑनियन और 3 से 4 टेबलस्पून दही और 8 से 10 हमने काजू लिए हैं। काजू को हमने थोड़े से गर्म पानी में भिगा दिया है। 10 मिनट भिगाने के बाद काजू को हमने अच्छे से फाइन पेस्ट तैयार कर लिया है। प्यूरी भी हमने टोमेटो प्यूरी भी तैयार कर ली और प्याज और हरी मिर्च की भी प्यूरी तैयार कर ली है और गार्लिक जिंजर भी पीस के रख लिया है। तो चलिए अब ले लेंगे कढ़ाई। कढ़ाई में हम 2 टेबलस्पून मक्खन डालेंगे। मक्खन को मेल्ट होने देते हैं। मक्खन मेल्ट हो चुका है, हम 1/2 टेबलस्पून जीरा डाल देंगे। थोड़े से ड्राई मसाले डालेंगे। ड्राई मसाले में हमने तेज़पत्ता ले लिया है, 2 लौंग ले ली हैं, 2 इलायची ले ली हैं, 2-3 से 4 काली मिर्च के सीड्स ले लिए हैं, थोड़ी सी दालचीनी ले ली है। अच्छे से फ्राई कर लेंगे जीरा के साथ। हमने जो ऑनियन प्यूरी तैयार करी थी उसे भी डाल देंगे और अच्छे से फ्राई करेंगे। लाइट गोल्डन फ्राई करना है हमें। तो ऑनियन अच्छे से फ्राई हो चुका है। अभी हम इसमें जिंजर और गार्लिक का जो हमने पेस्ट तैयार करके रखा था उसे भी डाल के अच्छे से फ्राई कर लेंगे। प्याज अच्छे से पक चुकी है, देख सकते हैं आप, साइड में ऑयल छोड़ने लग गया है। तो अभी हम यहाँ पे डाल देंगे काजू का जो हमने पेस्ट तैयार करके रखा था उसे भी अच्छे से डाल के साथ में फ्राई कर लेंगे। हाफ टेबल स्पून हल्दी पाउडर डाल देंगे। 1/2 टेबल स्पून रेड चिली फ्लेक्स डाल देंगे। अच्छे से मिक्स कर लेंगे, साथ में टोमेटो प्यूरी भी डाल देंगे। अच्छे से मिक्स करेंगे। 1 टेबल स्पून नमक डाल देंगे। अच्छे से मिक्स करके लीड लगा के हम इसे पकने के लिए छोड़ देंगे, जैसे कि टमाटर अच्छे से पक जाएगा। 3 टेबलस्पून जो हमने दही लेके रखा था उसमें हम 1 टेबलस्पून धनिया पाउडर डालेंगे और अच्छे से मिक्स करेंगे दही के साथ। इससे क्या होगा कि दही और दही डालने पे जो हमारी वो टोमेटो प्यूरी है वो फटेगी नहीं। अगर आप डायरेक्ट दही डालते हैं तो ये फटाफटा सा हो जाएगा। अच्छे से टमाटर पक चुके हैं। दही का मिक्स भी हम डाल देंगे। अच्छे से मिक्स करेंगे साथ में। इसे भी हम लीड लगा के 2 से 3 मिनट पकने देते हैं। तो 2 मिनट हो चुके हैं, हम चेक कर लेते हैं। आप देख सकते हैं हमारी जो प्यूरी है वो अच्छे से तैयार हो चुकी है, पक चुकी है। हम स्टेज पे 1 कप दूध डाल देंगे। हम शाही पनीर में दूध का ही यूज़ कर रहे हैं, पानी का यूज़ नहीं कर रहे हैं।
जैसे हम रेस्टोरेंट में शाही पनीर खाते हैं, सेम टेक्सचर देने के लिए आप भी दूध का ही यूज़ करिएगा। दो मिनट के लिए लीड लगा के पका लेंगे दूध डालने के बाद भी। तो दो मिनट हो चुके हैं, हम यहाँ पे 1 टेबल स्पून कसूरी मेथी डाल देंगे, 1/2 टेबल स्पून हम इसमें गरम मसाला डाल देंगे। गरम मसाला लास्ट में डालेंगे, पहले नहीं डालेंगे, क्योंकि हम गरम मसाले का पाउडर डालते हैं, खड़े मसाले हमने पहले ही फ्राई कर लिए थे। डाल के अच्छे से मिक्स कर लेंगे। हम ले लेते हैं पनीर। पनीर भी मैंने घर में ही तैयार किया है, क्यूब्स में कट कर लिया है। डाल देंगे प्यूरी में, इसे भी हम 2 से 3 मिनट के लिए पका लेंगे लीड लगा के। शाही पनीर हमारा जो है पक चुका है, हम इसे एक बाउल में शिफ्ट करते हैं। आप देख सकते हैं कितनी टेस्टी हमारी शाही पनीर तैयार हुई है। एक बार आप भी ज़रूर ट्राई करें। आपको मेरी वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू फ्रेंड्स।